हाँ बच्चों, आज साझेदारी देखेंगे बनाए जाने वाले खाते। क्योंकि साझेदारी में लेखांकन प्रक्रिया ये क्या है? सामान्य साझेदारी में है न कोई साझेदार आता है न कोई साझेदार रहता है, कुछ साझेदार व्यवसाय करते हैं उसमें लेखांकन प्रक्रिया होती है। कौन कौन से खाते बनाते हैं इसको समझना है। इसमें सबसे पहले बनाया जाता है लाभ हानि खाता। दूसरा इसमें बनाते लाभ पूंजी खाता। लाभ हानि खाते में बाकी व्यापार में भी पढ़ते हैं अंतिम खाते कहलाते हैं। एक बार बढ़ता वर्ष में लाभ हानि खाता बनता था, लेकिन जो बाकी व्यापार में लाभ हानि खाता बनता है उसका जो सकल लाभ वो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आती है वो पूंजी में जाके यदि शुद्ध लाभ आ जाती है सीधे चिट्ठे में ट्रांसफर कर देते हैं, शुद्ध हानि आगे पूंजी से घटा देते हैं। लेकिन साझेदारी लेते हैं लाभ हानि खाते के बाद एक और खाता बनता है जिसे लाभ हानि वितरण खाता भी कहते हैं। लाभ हानि खाते को लाभ हानि खाता या लाभ हानि वितरण खाता भी कहते हैं। इसमें जो लाभ हानि आता है वो साझेदार है, इसका लाभ हानि सीधे चिट्ठे में जाकर ट्रांसफर नहीं होता, चिट्ठे में हस्तांतरित नहीं होता लाभ हानि खाते के बीच का, ये साझेदारों के पूंजी खाते में जाता है। जो भी जिसका फिर निकलेगा लाभ आएगा तो साझेदार को पूंजी खाते में यहां नहीं आ रहे तो नहीं कुछ भी। अच्छा, लाभ हानि खाते में बहुत सी मजे नहीं रहती। लाभ हानि खाते का जो प्रारूप समझना है। अच्छा, दूसरी बात है साझेदारों लाभ हानि खाते के बाद पूंजी खाता बनाया जाता है। साझेदारों के व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। वे साझेदारों की जो पूंजी खाते होते हैं वो सामूहिक बनते हैं। अभी जैसे तीन साझेदार हैं कि दो हैं तो दो की अलग अलग मानी दर्शाई जाती है उनके नाम से। साझेदारी लेने में पूंजी खाता रखने की दो पद्धतियां। पूंजी खाता जो है पूंजी खाते के रखने की दो पद्धतियां हैं, ये है स्थायी पूंजी खाता पद्धति। स्थायी पूंजी खाता पद्धति और दूसरी प्रक्रिया है परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति। स्थायी पूंजी खाते के साथ एक और खाता बनाया जाता है। स्थायी पूंजी खाते के साथ अकेले नहीं रहता है। स्थायी पूंजी खाते में क्या होता है, सभी दिन वर्ष के जो प्रारंभ में पूंजी रहती है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती ना किसी मद को जोड़ा जाता है स्थायी पूंजी खाते में। वो जो वर्ष के आरंभ का शेष रहेगा शुरुआत का शेष रहेगा वही से जो है वर्ष के अंत में वही शेष अगले सत्र में ट्रांसफर अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मान लो किन्हीं साझेदारों की पूंजी दो साझेदार अगर 10,000 है वर्ष के प्रारंभ में तो पूंजी खाता बनाएंगे तो वही क्या करेंगे शेष ला जाएंगे बाई बैलेंस विधि के नाम से आएगा और वही रकम जो क्रेडिट की है बाई बैलेंस विधि वाली वही टोटल टू बैलेंस शीट ही चली जाएगी साझेदार को। फिर ऐसा क्या है चाहे 50 वर्ष का पूंजी खाता है वो ट्रांसफर होता रहता है
एक वित्तीय वर्ष से दूसरे वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित होता रहता है, उसमें और कोई बदली होती है। अच्छा, और दूसरा है, लेकिन इसके साथ स्थायी पूंजी खाता का भी फॉर्मेट बताएंगे, इसके साथ क्या एक खाता और बनता है स्थायी पूंजी खाते के साथ। स्थायी पूंजी खाते के साथ बनता है परिवर्तनशील पूंजी खाता, और परिवर्तनशील पूंजी खाते के स्थायी पूंजी के साथ चालू खाता बनता है। चालू खाता अभी फॉर्मेट बता रहे हैं, दूसरा और पूंजी खाता समझ लो परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाते के साथ कोई खाता नहीं बनता है, इसमें पूंजी का शेष आ जाता है क्रेडिट में, फिर और बहुत सी मदें आ जाती है, लेकिन इसका शेष क्या है कभी बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता, इसलिए इसका परिवर्तनशील पूंजी खाता नाम है। अंग्रेजी में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसका शेष प्रत्येक वर्ष बदलता है, स्थिर नहीं रहता, इसका शेष डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अच्छा, और परिवर्तनशील खाते के साथ और कोई खाता नहीं बनता है, स्थायी पूंजी खाते के आधार पर जो है चालू खाता बनाया जाता है। अब एक बात आ जाएगी कि स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर क्या है, स्थायी पूंजी के साथ जो चालू खाता बनता है उसमें क्या मदें रहती है। स्थायी पूंजी खाते के साथ एक खाता एक रहता है, स्थायी पूंजी खाता प्लस क्या कहलाया जाएगा, एक खाता और रहेगा चालू खाता या करंट अकाउंट। तो मानी कितने कहला गए, स्थायी पूंजी खाता कहला गया, चालू खाता दो कहला गए, एक दो। आइए परिवर्तनशील खाता क्या है, अकेले रहता है, तो इसमें स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी खाते में थोड़ा सा अंतर बताए दे रहे हैं, अंतर के आधार समझाए दे रहे हैं। स्थायी पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी खाते में स्थायी पूंजी खाते तथा परमाणु पूंजी खाते में अंतर है। अंतर का आधार पहला है ये अंतर है स्थायी पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी खाते में। ये अंतर के आधार है अभी वार्षिक परीक्षा जो अभी हुई है 12वीं में, अभी कल पेपर था उसमें क्या है ये अंतर आया था। अभी लास्ट ईयर 2019 के जो प्रश्न थे आधे प्रश्न तो रात दिया गया है, तो मान लो इस वर्ष आ गए तब भी इसको क्या है ध्यान दिए रखना है, ऐसा नहीं कहीं नियम लिखा कि जो प्रश्न आ चुके हैं वो अभी जिस सत्र में अगले सत्र में ना आए। पहला अंतर का था समझिए, चालू खाता जो है स्थायी पूंजी खाते के साथ चालू खाता बनाना अनिवार्य है, परिवर्तनशील पूंजी खाते के साथ चालू खाता नहीं बनता। स्थायी पूंजी खाते के साथ चालू खाता बनता है, परिवर्तनशील में चालू खाता नहीं बनता है। शेष स्थिर रहना, वर्ष के अंत का जो निष्कर्ष निकलता है शेष,
स्थायी पूंजी खाते में शेष स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब जो वर्ष के प्रारंभ में रहेगा वही वर्ष के अंत में रहेगा, क्योंकि कोई मदे जुड़ती नहीं है। अपरिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष बदलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, मतलब कुछ भी देर शेष उसका क्या है, परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो लाभांश के दशा में निर्धारित होता है। मदों का लेखा स्थायी पूंजी खाते में किसी भी मदों को नहीं लेखा होता, केवल उसमें जो पूंजी नहीं रहती है साझेदारों का, तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ दिन टू बैलेंस शेष नीचे लाए, टू बैलेंस विधि, और वही जो टोटल शेष रहेगा वर्ष के अंतिम दिन जब खाता बंद करते हैं, वो जब शेष बनाएंगे तो बाई बैलेंस विधि रहेगा, बाई बैलेंस विधि क्रेडिट, और जब खाता बंद करेंगे तो उतना ही शेष, क्योंकि कोई मदद जुड़ी नहीं है, तो वही शेष डेबिट में टू बैलेंस सीधी करी जाओ हो जाएगा खाता बंद उतना। और परिवर्तनशील में क्या है, मदे बढ़ जाती है, कहीं ज्यादा हुई कहीं कम हुई, तो परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष बदलता है। मदों का लेखा स्थायी पूंजी खाते में कोई मद नहीं लिखी जाती है, परिवर्तनशील में कौन सी मदे पूंजी का शेष लाए, डेबिट शेष है, क्रेडिट शेष है, और जो मदे रहती है वेतन दिया गया साझेदार को, पूंजी पर ब्याज दिया गया है, आहरण पर ब्याज है, आहरण है, तो कुछ मदे क्या है क्रेडिट में, कुछ मदे डेबिट में, माने मदे तो आती है और स्थिर में तो आती नहीं। शेष डेबिट के क्रेडिट होना स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहता है, किसी सूरत में स्थायी पूंजी खाते का शेष डेबिट नहीं हो सकता, और परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, इतना मेरे को मिलेगा।